like a Hellcat. तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शॉन को पता चल गया होता है कि सैम और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स उसे इस बात का बहुत बहुत दुख होता है। यार बचपन का प्यार था वो, ऐसे कैसे दुख नहीं होगा। लेकिन शॉन अभी तक यकीन नहीं कर पाया होता है कि वो एमी को पसंद करता है। वेल एक और बुरी खबर होती है जो कि रॉन के हिस्से में होती है। उसे अपनी जॉब से फायर किया जा चुका होता है एंड ही वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। लेकिन सरप्राइज होने का सिलसिला बस यहीं नहीं ख़त्म होता दोस्तों। यहाँ पे अनजाने में सिंडी ने भी एक कांड कर दिया होता है। असल में सिया और सिंडी इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं और गलती से सिंडी उसे हिंट दे देती है कि वो शॉन के घर में रहती है। अब सिया तो पहले से ही चालाक होती है, उसे ये समझते देर ही नहीं लगती कि शॉन के घर पे वो तीन चूहे कौन है। तो गाइस सीजन 2 की शुरुआत होती है कई सारे सवालों के साथ कि आखिर आगे इन पांचों दोस्तों की लाइफ में हुआ क्या। तो स्टार्ट करते हैं सैम और एमी से, जिनकी रिलेशनशिप की गाड़ी काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ रही थी। फ्यूचर प्लान्स के तौर पे सैम एमी से ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसका पुराना घर वापस दिलवाएगा जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। यहाँ इनकी लवी डवी मूवमेंट चल रहे होते हैं और वहाँ ये सारी बातें शॉन के पल्ले ही नहीं पड़ रही होती है। सैम एंड एमी के किसिंग सीन के बाद तो वो खुद इतना कन्फ्यूज़ हो गया होता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करें। मतलब यार ये भाई साहब खुद भी तो अपनी फीलिंग्स के लिए 100% श्योर कहाँ हैं। तो इसका फ्रस्ट्रेशन वो एमी से अजीबोगरीब बिहेव करके निकालता है, जैसे कि वो खुद एमी का सामान यहाँ वहाँ रख देता है और फिर उसे डांट लगाता है कि तुम ठीक से अपना सामान की जिम्मेदारी नहीं उठा रही हो। आई डाउट इसे खुद भी पता होगा कि आखिर ये क्या कर रहा है। लॉल कौन करता है यार ऐसा। मीनवाइल रॉन अभी तक किसी और ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुआ था और वही सिंडी की तो इसी बात पे नींद उड़ी हुई थी कि अब अंजाम क्या होगा। वो बेचैन अपने रूम में बैठे ये सोच रही होती है शॉन उस पर बहुत गुस्सा होगा जब उसे पता चलेगा कि सिया को घर वाली बात पता चल गई है। वेल शॉन तो बेचारा वैसे भी परेशान ही होता है, क्योंकि पहले तो एमी अपने रिलेशनशिप की बात उसे बता नहीं रही होती है और दूसरा कि जब से वो लॉन्ग ट्रिप से लौटा है सिया उससे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। वेल ये तो ऑब्वियस था कि सिया ऐसे क्यों कर रही थी, बट एमी उसे एक बार फिर से किसी और लड़की के साथ कार में बैठते हुए जाते हुए नोटिस करती है। एमी को लगता है अब उसे शॉन को सिया के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। खैर रात में डिनर पार्टी के बाद एमी जब घर वापस जाने लगती है तो उसे एक सीनियर लिफ्ट देने की जिद करने लगता है, ना चाहते हुए भी उसे उसके कार में बैठना पड़ता है। लेट्स कॉल द सीनियर बाय द नेम डोनाल्ड। तो ये डोनाल्ड भाई साहब एमी को घर छोड़ने के बजाय कहीं और ही ले जाते हैं। एमी को उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते हैं, इसलिए वो सैम को लोकेशन टेक्स्ट करती है, बट सैम उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि वो अपने काम में बिजी होता है। तो मजबूरन उसे शॉन को भी टेक्स्ट करना पड़ता है। अब होता कुछ ऐसा है कि उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो जाती है एंड उसी वक्त डोनाल्ड कार का दरवाज़ा लॉक कर देता है। और ये डोनाल्ड की बुद्धि तो यार कुछ अलग ही डायरेक्शन में काम करती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि एमी उसे पसंद करती होगी। एमी वॉज लाइक, तुम कौन सी दुनिया में जीते हो, मैंने कब तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बट रिजेक्शन के बाद भी वो एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है एंड दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर अ सुपर हीरो लैंडिंग। शॉन की तभी एंट्री होती है और वो डोनाल्ड की जम की पिटाई कर देता है। डोनाल्ड तो वैसे ही डरपोक होता है, दो तीन घुसों में ढेर हो जाता है। उसके बाद शॉन एमी से गुस्से में पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सैम किधर है। एमी वो सरप्राइज्ड, वो उससे कहती है, तुम्हें कब पता चला। शॉन उसे कहता है, तुम लोग ऐसे खुले में किस करोगे तो किसको पता नहीं चलेगा। लॉल। कुछ देर बाद जब मामला शांत हो जाता है तो एमी उसे एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों कैसे मिले एंड उसका इंटेंशन उसे झूठ बोलना नहीं था। शॉन वॉज लाइक, दोस्ती में बस एक चिंगारी काफ़ी है आग लगाने के लिए। खैर सैम जब एमी का टेक्स्ट मैसेज देखता है वो काफ़ी वरीड हो जाता है, लेकिन एमी को कॉल नहीं लगाता तो फिर वो शॉन को कॉल मिलाता है। शॉन उसे कहता है, सब ठीक है भाई, डोंट वरी। वही दूसरी तरफ अब रॉन के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। असल में उसके एक सीनियर ने उसे बताया होता है कि अगर वो प्रोड्यूसर्स को कुछ रुपए खिलाए तो काम बन सकता है। तो रास्ते से मेरा कहने का मतलब था, या तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर लौट जाए या फिर सिंडी को धोखा देके उसका लोकेशन रिवील कर दे और रिवॉर्ड लेके अपना सपना पूरा कर ले। वेल वो अपनी दोस्त को धोखा देना तो नहीं चाहता, बट उफ ये मजबूरी। वो इवेंचुअली उस पैम्पलेट वाले नंबर पे कॉल कर बैठता है और उन्हें सिंडी के पार्ट टाइम जॉब वाली लोकेशन बता देता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान सब अपनी अलग ही सोच में डूबे होते हैं।
रॉन ने सिंडी को धोखा दिया होता है, सिंडी ने शॉन की पोल खोल दी होती है और शॉन तो बेचारा दुनिया भर की चिंताएं लिए बैठा होता है। तो हिम्मत करके सिंडी सबके सामने कन्फेस कर देती है कि उसने गलती से सिया को सब बता दिया है, लाइक दे ऑल लिव टुगेदर। और ये सुनते ही शॉन हवा की स्पीड से सिया के पास जाता है, बट सिया वॉज इन होल एंग्री महिला मूड। वो उसे कहती है, मुझे पता है कि ये सब तुमने एमी के लिए किया है और मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी अगर तुम एमी को घर से निकाल दो। अब शॉन ऐसा बंदा होता है कि एक बार के लिए कोई उसे जान भी मांग ले तो भी वो दे देगा, बट दोस्त के साथ गद्दारी ये उसे मंजूर नहीं है। तो शॉन उसे साफ साफ मना कर देता है। वो सिया से कहता है, मैं एमी या फिर किसी और को भी घर से नहीं निकाल सकता। तो इस पे सिया कहती है, फिर मुझसे मिलने का कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। और तो बाद में उसे एमी भी समझाने की कोशिश करती है कि क्यों उसे अपने दोस्त के घर रहना पड़ रहा है। सिया तो वो सिंपल सवाल पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास कोई और दोस्त नहीं या फिर तुम भी शॉन की फ्रेंडशिप का मिसयूज़ कर रही हो। सिया के इस सवाल पे एमी एक बार के लिए सोच में पड़ जाती है। उसे भी अंदर से फील होता है, कहीं वो सच में शॉन का फ़ायदा तो नहीं उठा रही। अब रही बात रॉन की, तो उसके दिमाग में खलबली मची होती है, इसलिए वो सिंडी को उसकी पार्ट टाइम जॉब वाली लोकेशन छोड़ने जाता है। तभी सिंडी उसे बताती है, यहाँ आने से पहले वो एंजाइटी पिल्स खाती थी बट अब उसे किसी भी पिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उससे ये भी बताती है कि वो कितनी लकी है जो उसे रॉन जैसा बेस्ट फ्रेंड मिला। एट दिस पॉइंट रॉन वॉज लाइक, वैसे तो मैं सक लौंडा हूँ बट यहाँ मैं पिघल गया। उसके बाद रॉन वापस घर लौट जाता है और सिंडी अपने काम पर चली जाती है। रॉन को मनी ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन आता है, रिवॉर्ड की आधी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे और बाकी आधे सिंडी के घर पहुँचने के बाद रॉन को सडन रियलाइजेशन होता है, ये उसने क्या कर दिया। उससे लेट से ही सही अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिंडी को बचाने के लिए तुरंत प्रभाव में पड़ जाता है। वहीं मॉल में सिंडी अपने मॉम के मैनेजर को देख लेती है और पैनिक में वो वहां से भाग जाती है। खैर रॉन उसे बचा लेता है और वो उसकी हेल्प के लिए काफी थैंकफुल होती है। वेल अल्टीमेटली रॉन एडमिट कर लेता है इन सब के पीछे वही जिम्मेदार था। सिंडी उसकी ये बात सुनकर काफी हर्ट होती है, उसने रॉन पे विश्वास किया था, उसे लग रहा था जब बेस्ट फ्रेंड धोखा दे सकता है फिर तो कोई भी दे सकता है। रॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे यार पैसों की बहुत ज़रूरत थी और तुम्हें पकड़वाने का इनाम बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैं भटक गया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वहाँ शॉन के घर पे सैम नाइट स्टे के लिए आया होता है, उसके घर में मेंटेनेंस चल रही होती है इसलिए उसे बहाना मिल गया होता है शॉन के घर में ठहरने का। लेकिन शॉन उसे अपने घर में लाना नहीं चाहता था, ऑब्वियसली इसके पीछे रीज़न एमी होती है, बट क्या कर सकते हैं, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना। सैम एमी के लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है और फ्रीज़र में वो देखता है कि चारों तरफ एमी और शॉन के स्टिकर्स चिपके हुए हैं जैसे कि दोनों कपल्स हो। उसे ये देख के अच्छा फील नहीं होता। तभी दरवाज़ा खुलता है और गुस्से में आग बबूला हुए सिंडी की एंट्री होती है। वो तुरंत अपने रूम में जाती है और सामान पैक करने लगती है। रॉन बाकी घर वालों को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और सिंडी से माफ़ी मांगता है, बट वो उसकी एक नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। बाकी सब सिंडी के पीछे जाते हैं बट रॉन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इस मामले को मैं खुद सुलझाऊंगा और अगर सिंडी घर छोड़ के गई तो मैं भी चला जाऊंगा। उसी रात सैम भी एमी को सजेस्ट करता है कि अगर रॉन और सिंडी चले गए तो तुम्हें भी यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों साथ रहोगे तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। सैम एक मस्त सा डायलॉग मारता है, बींग इन रिलेशनशिप मेक यू सेल्फिश, या दिस इज ट्रू। एमी उसकी बात को ध्यान से सुन रही होती है और वो डिसाइड करती है कि उसे भी अब शॉन का घर छोड़ देना चाहिए, इसे दोनों सिया और सैम को अच्छा लगेगा। ऑब्वियस है यार, आई डाउट किसी के भी लवर को ये पसंद नहीं आएगा कि उसका पार्टनर अपने ऑपोजिट सेक्स वाले फ्रेंड के साथ एक घर शेयर करे। वही शॉन को रात भर नींद नहीं आती, वो इसी सोच में होता है कि सैम और एमी रूम में अकेले क्या कर रहे होंगे। इनफैक्ट खुद को वो बोलता है, ये मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ। तो अगली सुबह एमी शॉन से कहती है, यार कुछ दिन बाद मैं भी तुम्हारा घर छोड़ दूंगी क्योंकि हम दोनों के पार्टनर्स को हमारा साथ रहना पसंद नहीं आता। शॉन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो उसे कहता है, यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एमी वॉज लाइक, वी स्टे टुगेदर फॉर 20 years बट नाउ इट्स टाइम टू मूव। हाँ भाई बहुत सही है, 3 महीने के पैर के चक्कर में 20 साल पुराने दोस्त को भूल जाओ। एनीवे उसको जाता देख शॉन मन ही मन खुद को बोलता है, आई कांट लेट यू गो बिकॉज। तो गाइस इसी के साथ हमारा 5th पार्ट भी यही एंड होता है। तो गाइस मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट और भी दमदार होने वाला है।